सऊदी आने के लिए वीजा आप कहाँ से लिए थे? मैं 16-17 साल से काम कर रहा हूँ। ड्यूटी किस टाइम से किस टाइम तक? आप जब आए थे उस टाइम आपका कितना पैसा खर्चा हुआ? नया बंदा कैसे आएगा? हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज मेरे साथ है कि भाई साहब, ये भाई साहब सऊदी अरब में दीवार में पिन करता है, तो इनका फुल इंटरव्यू लेंगे। जो भी कोई भाई सऊदी अरब में वॉल पिन के लिए आना चाहते हो, कैसे आओगे यहाँ पे, कितना पैसा खर्चा होगा, यह आने के बाद आप महीने में कितना कमाओगे, सब कुछ इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हो ये बताइए। मेरा नाम नईम है, मैं पाकिस्तान का हूँ। तो भाई साहब आप सऊदी अरब में कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 16-17 साल से काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, आप जब आए थे उस टाइम आपका कितना पैसा खर्चा हुआ था पाकिस्तान से? मेरा पाकिस्तान उस टाइम होता 90,000। माशाल्लाह, आप आजाद वीजा में काम करते हो ना? हाँ, पहले बंद काम करते थे, फिर कफील से इतना लेके आजाद काम किया। आप लोगों का दिन के में कितना कमाई होता है? दिन में 180-90, अभी क्यों हालात खराब है, ऐसा ऐसा सही हो जाएंगे बाद में इंशाल्लाह। मतलब पिंड वाला जो काम है डेली का आपका 100 रियाल 150 रियाल इतना कमाई है। खाना पीना किसका, आपका खुद का है? हाँ, हर चीज हमारा खुद का है, रूम भाड़ा, ये अपना कफील को कफालत देनी है और खर्चा मर्चा, ये सब हमारा अपना है। और आपका अकामा जो खर्चा है, अकामा खर्चा किसका, आपका ही है ना? हाँ, अकामा खर्चा हमारा है। कितना खर्चा होता है अकामा? हमारा साल में लगे 8,000। साल में 8,000 रियाल लगेगा अकामा रिन्यूअल करने में। खाने पीने का कितना खर्चा होता है? खाने पीने का हर महीने में 300-350 आ जाता है। मतलब खाने पीने का भी 350-400 पकड़ लीजिए, महीने का आपका खाने का आ जाएगा। डेली अगर आप 150 रियाल का कमाओगे तो कम से कम इंडिया का 3,000 रुपया होगा दिन का। अगर आप लोग इंडिया से आजाद वीजा में आना चाहते हो सऊदी अरब में, तो आपका 2-2.5 लाख रुपया खर्चा होगा सऊदी अरब में आने के लिए आजाद वीजा में। यहाँ पे आने के बाद अगर आप वर्ल्ड पिन का काम करते तो आप लोगों को 120-150 रियाल पर डे का कमाई होगा। अगर आप पुराना हो जाते हो, सारे काम सीख जाते हो, अगर ठेका लेके काम करते हो, तो उसमें आप लोगों का थोड़ा बहुत ज्यादा कमाई होगा। जब आप लोग थोड़ा पुराना हो जाओगे, आप लोग अरबी भाषा सीख जाओगे, तब आप खुद काम पकड़ के अगर करते हो उस टाइम आप लोगों का ज्यादा होगा। उसके लिए कम से कम आप लोगों का 1-2 साल पुराना होना जरूरी है। जो इस जगह में आप लोग रहते हो उस जगह का लोकेशन वगैरह, घर वगैरह आप लोगों को पहचान होना जरूरी है। आप लोग अगर कोई बंदा फोन करके बुलाए कि मेरे घर में आके प्रिंट करो, तो आप लोगों को वो सारे पता होना जरूरी है। उसके बाद भाषा सीख जाते हो, तो अपना ठेके लेके अगर आप काम करते हो तो दिन में 200-300 रियाल आराम से कमा लोगे। तो इस हिसाब से ये लोग आके यहाँ पे काम करता है। अगर आप लोग भी सऊदी अरब में वॉल पिन का काम करने के लिए आना चाहते हो, किसी यार दोस्त से आजाद वीज़ा लीजिए, वीज़ा लेने के बाद यहाँ पे आके आप लोग काम कर सकते हो आराम से। तो ये भाई साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब शुरुआत में आए थे उस टाइम ज़्यादा कमाई था या अभी ज़्यादा कमाई हो रहा है? अभी उस टाइम पहले कमाई था, अभी ज़्यादा कमाई नहीं है। अभी हालात ख़राब है, हर चीज़ में महंगाई है। इससे पहले जो लोग आए थे वो लोग अच्छा खासा कमाया। दोस्तों बाहर में बहुत हवा चल रहा है, जिसके वजह से वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा था और साउंड भी सही से नहीं आ रहा था। तो मैंने उस भाई का फुल इंटरव्यू लिया हूँ, उन भाई साहब से पूछा हूँ, अगर कोई भाई पाकिस्तान से सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा के लिए आना चाहता है तो इस टाइम उन लोगों का 6-7 लाख रुपया खर्चा होगा पाकिस्तान का। अगर कोई भाई बांग्लादेश से आना चाहता है, उन लोगों का 4-4.5 लाख रुपया खर्चा होगा बांग्लादेश का। जो भाई इंडिया से आना चाहता है, उनका 2.5-3 लाख रुपया खर्चा होगा सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा में आने के लिए। आज़ाद वीज़ा पे आके यहाँ पे आप ये सारे काम कर सकते हो। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हो तो शेयर जरूर कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो करके रखिएगा। अगर यूट्यूब में देख रहे हो, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगर आप लोगों को और भी कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप हमसे सवाल कर सकते हो, आप लोगों का सवाल का भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।